Hi all of you and welcome you all on Learn Beyond platform. We are in the second part of Silox. First part में हमने all से जुड़े हुए तमाम cases की बात की थी, तो हम second part में हैं. Second part में we will discuss about sum और इसी sum से जुड़ा हुआ जो आपका सबसे important conclusion के रूप में आपको दिखता है, that is either or. तो sum and either or, at the same time we are going to discuss in part 2. तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास, दैट इज सिलॉक्स पार्ट टू. और इस पार्ट टू में जिसकी हम बात करेंगे वो है आपका सम के केस की और या इधर और. देखिए, अगर आपका क्वेश्चन जुड़ा हुआ हो और पूछ रहा हो सम ए इज बी, तो पहले हमें फिगर बनाना भी आना चाहिए. जो वेन डायग्राम की बात है वो भी बनाना चाहिए. तो सम ए इज बी का जो फिगर होगा वो हम कुछ इस टाइप का बनाएंगे कि सम ए क्या है तो बी है. तो ये जो सम का पार्ट है वो आपको दिख रहा है कि सम ए इज व्हाट, तो सम ए इज बी. दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट इज. तो यहां से जो कंक्लूजन की बात अगर हम निकालें तो कि अगर सम ए बी है तो सम बी भी क्या है, तो बी का जो ये भी पार्ट है वो भी क्या है, तो सम है. तो सम ए इज बी आपका स्टेटमेंट था, तो यहां से हम बोल सकते हैं सम बी इज ए, ये क्या है तो सही है. इसमें क्या और भी कंक्लूजन हो सकते हैं वो छोड़ दें, अभी हम सिर्फ सम के केस में हैं. सम से जुड़ा हुआ सिर्फ सम का कौन कौन सा कंक्लूजन सही हुआ, सिर्फ हमारा कंसंट्रेशन उस पर है ना. आप मत सोचें कि यहाँ पे सम नॉट भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी की ही बात करेंगे. तो हमने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया है कि सारे केसेस को हम डिफरेंट डिफरेंट तोड़ के देखेंगे और फिर उनको एक साथ कंबाइन करके आपको पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल आपको साथ में क्लियर होगा. तो यहाँ पे सम से जुड़ा हुआ था तो हमने एक कंक्लूजन निकाला, वो भी रिवर्स कंक्लूजन था, दैट इज सम बी इज ए. तो यहाँ पे दो कंक्लूजन सही होगी, एक सम ए इज बी और दूसरा सम बी इज ए. तो सम ए इज बी तो स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है, दिख भी रहा है, तो दिस इज ऑल्सो ए राइट कंक्लूजन. यहां पे एक और अगर हम जोड़ दें और ये बोलें कि सम बी इज सी, तो यहां पे हमें और करना पड़ेगा, एक और सर्कल को बनाना पड़ेगा और कहता है कि सम बी का जो पार्ट है वो क्या है, तो सी में है. तो वेरी गुड, तो हमने बना दिया कि सम बी इज सी. तो यहां से कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं सम सी इज बी. तो यहां से आप ये भी कह सकते हैं सम सी इज बी. और एक तो आपके पास था ही कौन सा, तो सम बी इज सी. तो ये सम से जुड़ा हुआ आपका स्टेटमेंट था और सम से ये चारों कंक्लूजन क्या है तो सही है. ऑल फोर सम कंक्लूजन इज राइट एज फार एज ए एंड बी इज कंसर्न एंड बी इज सी इज कंसर्न. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए और सी के बीच में कौन कौन सी कंक्लूजन सही हो सकती है, यही सबसे इंपॉर्टेंट केस आपके सम के रूप में देखा गया है. ए और सी आप यहां पर देखेंगे तो क्या दिख रहा है कि ए और सी एक दूसरे को टच नहीं कर सकता है या नहीं कर रहा है. स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि सम ए इज बी सम बी इज सी, तो क्या उसका ये फिगर सही है? दिस इज नॉट एब्सोल्युटली राइट फिगर. ये फिगर सही भी है और गलत भी है. इसका एक और फिगर हम बना सकते हैं और ये भी हम बोल सकते हैं सम ए क्या है तो बी है और सम बी क्या है तो सी है. देखिए, इसी स्टेटमेंट का ये फिगर हमने बनाया जहां पे ए का जो सम पार्ट था वो बी में था और बी का जो सम पार्ट है वो किस में है, तो सी में है. एक स्टेटमेंट के दो फिगर हैं, एक ये भी फिगर सही है, एक ये भी फिगर सही है. ये फिगर 100% सही नहीं है और ये फिगर भी 100% सही नहीं है. अगर यहां से आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है, ए का कोई भी पार्ट सी में टच नहीं कर रहा है. और यहां से आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है, ए का जो थोड़ा सा पार्ट है सम पार्ट ऑफ ए इज विथ सम पार्ट ऑफ सी. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बोथ फिगर आर करेक्ट एज वेल एज इनकरेक्ट. तो दोनों फिगर को हमें एक साथ साथ लेके चलना पड़ेगा और जब इस फिगर के बेस पे हम ए और सी के बीच में कंक्लूजन निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे, नो ए इज सी, ए का जो कोई भी पार्ट है वो सी में नहीं है. सेकेंड, जब दूसरे फिगर को हम लेके चलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे यहां पे सम ए इज सी. इंडिपेंडेंट अगर इस कंक्लूजन की बात करें तो क्या नो ए इज सी सही है, दिस इज नॉट करेक्ट. क्या सम ए इज सी सही है, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. बट इस दोनों को अगर आप जोड़ दें तो आप यहां पे बोल सकते हैं ईदर और. बट एग्जामिनेशन में अगर सपोज आपका ये स्टेटमेंट है
तो इस फिगर को बनाने की जरूरत नहीं है। ये फिगर आपका इमेजिनरी फिगर होना चाहिए, जो आपको समझ में आना चाहिए कि इधर और आता कैसे है, हैं। बट जब भी आप अपने रफ कॉपी पे वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ऐसी ही वेन डायग्राम ड्रॉ होनी चाहिए। वहां से दो कंक्लूजन आप निकाल के लाएंगे, एक नो एसी और दूसरा इमेजिनरी फिगर से निकल के आएगा सम ए इज सी। बट इंडिपेंडेंट दोनों कंक्लूजन गलत हैं, और इसका आंसर अगर हम जोड़ दें, इन दोनों फिगर को हम ले लें, इन दोनों फिगर को एक साथ हम लेंगे, तो हम बोलेंगे चाहे तो ये होगा या ये होगा, चाहे तो, दैट इज कॉल्ड ईदर और। तो यही केस है आपका ईदर और का। लेकिन क्या आता है कि एग्जाम से मेरा टाइम नहीं रहता है कि होगा नहीं होगा, इमेजिनरी फिगर है, उस कंडीशन में सीधी सी बात मैं एक बार बताता हूं। व्हेन टू सर्कल्स आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर, नोट आप जरूर लिख लेंगे, लिखता हूं मैं नोट यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट ये नोट है। व्हेन टू सर्कल्स, बताऊंगा अभी कहां पे अपवाद है, व्हेन टू सर्कल्स आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर, अगर ये कंडीशन होगी, जब दो सर्कल आपस में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी, देखें ए और बी आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, बट ए और सी आपस में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है, अगर ऐसी फिगर आप ड्रॉ करेंगे तो हमेशा आपकी जो कंक्लूजन होगी वो उस दो फिगर के बीच में, ऑलवेज एंड ऑलवेज यू विल गेट ईदर और, है ना। अगर ए और सी की बात है तो आप बोलेंगे ईदर कौन सा, तो नो ए सी और सम ए इज सी, तो इस फर्स्ट डेटा ऑफ ईदर और। ईदर और की बेसिकली तीन केसेस मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें से पहली केस मैं आपको बता रहा हूं। इस पहली केस में क्या होता है, तो आपके जो कंक्लूजन हैं वो सम और नो से जुड़े हुए होने चाहिए। तो ईदर और के लिए आप जान लें कि कौन कौन से कंक्लूजन होने चाहिए। तो पहला जो कंडीशन है वो ये है कि कंक्लूजन सम से जुड़ा हुआ होना चाहिए एक कंक्लूजन, और दूसरा कंक्लूजन नो से जुड़ा होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं कि ईदर और को पहचाने कैसे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन में आप जब जाएंगे तो सम से एक कंक्लूजन होना चाहिए, दूसरी कंक्लूजन नो से शुरुआत होनी चाहिए। दूसरा, सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट ये दोनों सेम होना चाहिए। सेम कहने का मतलब, अगर यहां पे सब्जेक्ट ए है और प्रिडिकेट सी है, तो जो अदर कंक्लूजन होगा वो भी ए और सी के बारे में ही बोलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट मस्ट बी सेम। तो यहां पे हमने लिखा है सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट मस्ट बी सेम, प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट। प्लेस कहने का मतलब, यहां पे अगर लिखा हुआ है नो ए सी, तो यहां पे ऐसा नहीं कि सम ए सी होगा, यहां पे अगर लिखा हो सम सी इज ए, दैट इज ऑल्सो ईदर और केस। तो सी ए यहां हो सकता है या ए सी यहां हो सकता है, प्लेस वेरी कर सकता है, बट सब्जेक्ट और प्रिडिकेट ए और सी के रूप में ही होने चाहिए। क्लियर। थर्ड क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जो आपकी कंक्लूजन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, इंडिविजुअल कंक्लूजन गलत होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल 100% सही है तो उसके बावजूद सम और नो देख के, सब्जेक्ट और प्रिडिकेट देख के आप इधर और लगा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताऊंगा बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूं बोर्ड पे, ये आगे चल के क्वेश्चन में आपको मालूम चलेगा। यहां पे कैसे इधर और को पहचाने उसकी हम बात कर रहे हैं। पहली बात हमने की सम और नो से जुड़ा हुआ आपका कंक्लूजन होना चाहिए, सब्जेक्ट और प्रिडिकेट सेम होना चाहिए, प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, एंड नेक्स्ट इंडिविजुअल कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, ये भी गलत होना चाहिए और ये भी गलत होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपका ईदर और फ्रेम होगा। और आखिरी में मैं लिखता हूं फिगर, जो आपकी फिगर है या वेन डायग्राम है, मस्ट बी जस्टिफाई, मस्ट बी जस्टिफाई, ये फिगर भी जस्टिफाई होना चाहिए कि हम टच नहीं कर रहे हैं तो ईदर और के रूप में हम फ्रेम हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट केस को हम देखते हैं, है ना, और डायरेक्ट हम डायग्राम की बात करते हैं। स्टेटमेंट की बात हम जब ईदर और समझ लेंगे तो हम करेंगे। आई होप कि आपने इस वीडियो को पॉज करके आपके जो नोट है, जो नोट में लिखा था व्हेन टू सर्कल्स आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर, और उसके बाद हमने लिखा था चार वैसे इंडिकेशन जिस इंडिकेशन के आधार पर आप ईदर और ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज सम नो, नेक्स्ट इज इंडिविजुअल कंक्लूजन हैज टू बी रॉन्ग, उसके बाद हमने बताया था सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट मस्ट बी सेम, और उसके बाद हमने बताया था वेन डायग्राम हैज टू बी करेक्ट।
तो यहां पे कोई स्टेटमेंट था जिसमें लिखा हुआ था ऑल ब्रेड इज क्या है, तो बटर है, क्योंकि हम आपके सम के केस में ही है तो सिर्फ सम से जुड़ा हुआ बात करेंगे, और सम बटर क्या है तो आइस है, और सम आइस क्या है तो नाइस है। तो चले कोई स्टेटमेंट था, सपोज द स्टेटमेंट वॉज सम ब्रेड इज बटर, सम बटर इज आइस एंड सम आइस इज नाइस। तो यहां पे ब्रेड और बटर के बीच में क्या आएगा, तो स्वाभाविक से बात है अगर सम बटर, अगर सम ब्रेड बटर है तो सम बटर भी क्या होगा, ब्रेड होगा। अगर सम बटर आइस है तो सम आइस भी क्या होगा, बटर होगा। अगर सम आइस नाइस है तो सम नाइस भी क्या होगा, तो आइस होगा। बट कंक्लूजन ब्रेड और आइस के बीच में क्या होगा, कंक्लूजन बटर और नाइस के बीच में क्या होगा, कंक्लूजन ब्रेड और नाइस के बीच में क्या होगा, तीन कंक्लूजन की बात यहां पे हम कर रहे हैं। तो देखें ब्रेड और आइस आपस में कहीं से भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, तो सीधी सी बात होगी कि आपको जो कंक्लूजन मिलेगा वो इस आधार पे होना चाहिए, इधर और को फ्रेम करने के लिए पहला होना चाहिए सम ब्रेड इज आइस, ये गलत है, इंडिविजुअल गलत है। दूसरा होना चाहिए नो ब्रेड इज आइस, इंडिविजुअल ये भी क्या है तो गलत है। बट इस दोनों को अगर आप ऐड कर दें या इस दोनों को आप ले लें एक साथ साथ, तो आप बोलेंगे ईदर और, तो ये आपका ईदर और के रूप में सही है। अदरवाइज अगर सेकंड वाला ऑप्शन नहीं है तो दिस फर्स्ट नंबर ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट, बट इफ सेकंड ऑप्शन इज अवेलेबल देन यू हैव टू गो विथ ईदर और ओनली। नेक्स्ट ब्रेड और नाइस के बीच में क्या देखेंगे, तो हम ये देखेंगे क्या होगा, तो सम ब्रेड इज नाइस, दूसरा क्या, तो नो से हम लेते हैं नो नाइस इज ब्रेड। देखिए यहां पे ब्रेड यहां पे है, यहां पे ब्रेड हमने यहां पे लिखा है, हमने नाइस यहां पे लिखा, हमने नाइस यहां पे लिखा है, तो ये इधर और है, क्यों इधर और है, तो सब्जेक्ट और प्रिडिकेट सेम है, प्लेस की प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको नोट में लिखाया था, तो यहां भी ये इधर और क्या है तो सही है, टच नहीं कर रहा है ना, ब्रेड और नाइस टच नहीं कर रहा है, व्हाट यू विल गेट इधर और, सीधी सी बात है ना। नाइस और ब्रेड के रूप में न सम की कोई भी कंक्लूजन इंडिविजुअल सही होगी और न नो की कोई भी कंक्लूजन इंडिविजुअल सही होगी, यहां पे सिर्फ दो ही कंक्लूजन सही होगी। अगर सम और नो एक साथ साथ है आपके ऑप्शन में देन यू कैन टिक मार्क ऑन ईदर और। एक और हमें देखना था बटर और नाइस के बीच में, क्योंकि बटर का सर्कल नाइस के सर्कल से बिल्कुल अलग है, कहीं ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो आपको कंक्लूजन क्या मिलेगा ईदर और के केस में, सम बटर इज नाइस एंड सेकंड नो बटर इज नाइस। तो ईदर और यहां पे हम तीन निकाल सकते हैं, वो तीन निकाल सकते हैं जो सर्कल आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। अदर देन दीज ईदर और सम नाइस इज आइस इज करेक्ट, सम आइस इज बटर इज करेक्ट, सम बटर इज ब्रेड इज करेक्ट। नेक्स्ट सम बटर इज सम ब्रेड इज बटर, वो तो स्टेटमेंट में ही था, सम बटर इज आइस वो भी है, और सम आइस इज नाइस वो भी है, बट इधर और की बात सबसे इंपॉर्टेंट थी यहां पर समझाने के लिए, तो हमने आपको यहां पर समझाया है। एक क्वेश्चन को हम लेते हैं यहां पर, एक्चुअल क्वेश्चन को लेते हैं कि अगर सम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और उसे कंक्लूजन लिखे हुए हैं तो कौन से सही होंगे और कौन से गलत होंगे। तो आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ था, स्टेटमेंट में पहला जो स्टेटमेंट था वो था सम आइस इज आइसक्रीम, क्लियर। नेक्स्ट लिखा हुआ था सम आइसक्रीम इज सॉफ्ट, थर्ड लिखा हुआ था सम सॉफ्ट इज हार्ड। कंक्लूजन लिखे हुए थे, जो कंक्लूजन आपको सही करना है इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है, तो लिखा हुआ था सम आइस इज सॉफ्ट, दूसरा लिखा हुआ था सम हार्ड इज सॉफ्ट, और थर्ड लिखा हुआ था नो आइसक्रीम नो आइसक्रीम इज सॉफ्ट।
तो ये आपके स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन आपको मॉनिटर पर दिख रहा है. योर फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन विल बी टू स्टार्ट ड्राइंग द वेन डायग्राम दैट इज सम आइस. तो आइस के लिए हमने लिखा सम आइस क्या है, तो आइसक्रीम है. फिर सम आइसक्रीम क्या है, तो सॉफ्ट है. और फिर है सम सॉफ्ट क्या है, तो हार्ड है. दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. द फर्स्ट कंक्लूजन विच वी नीड टू वेरीफाई वेदर द कंक्लूजन इज करेक्ट और इनकरेक्ट, फर्स्ट इज सम आइस इज सॉफ्ट. तो आइस कहाँ है, यहाँ है. सॉफ्ट कहाँ है, तो यहाँ है. हमने क्या बताया, वेन टू सर्कल्स आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर यू विल हैव ओनली वन कंक्लूजन. द कंक्लूजन मस्ट बी लिंक विथ ईदर और. ईदर और का मतलब है एक कंक्लूजन सम से होना चाहिए, दूसरा कंक्लूजन नो से जुड़ा हुआ होना चाहिए. अगर ऐसा होगा तो ईदर और हम टिक करेंगे, अदरवाइज इंडिविजुअल हर एक कंक्लूजन क्या है तो गलत है. तो यहाँ पर देखें सम आइस इज सॉफ्ट लिखा हुआ है, सम आइस इज सॉफ्ट. ये तो पहला जो आपका कंप्लीमेंट्री पेयर है वो मौजूद है, लेकिन इसका सेकंड नेक्स्ट कंप्लीमेंट्री पेयर नो आइस इज सॉफ्ट होना चाहिए, वो है क्या, नहीं है. इट मीन्स दिस इज इंडिविजुअल, दिस इज इनकरेक्ट. यहां पे हमने बोला है चूंकि इसका कंप्लीमेंट्री पेयर मौजूद नहीं है, बिकॉज द सर्कल इज नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर, इसका ऐसे इंडिविजुअल कंक्लूजन इज रॉन्ग. नेक्स्ट सम हार्ड इज सॉफ्ट. तो सम हार्ड इज सॉफ्ट डायरेक्ट यहां पर देखें, अगर सम सॉफ्ट का कुछ भाग हार्ड में था तो ऑब्वियस सी बात है सम हार्ड का भी पार्ट क्या होगा, सॉफ्ट में होगा. दिस इज एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट नो आइसक्रीम इज सॉफ्ट. कोई भी आइसक्रीम क्या नहीं है, तो सॉफ्ट नहीं है. क्लियर, कोई भी आइसक्रीम, ये आपका आइसक्रीम का है और ये आपका सॉफ्ट का है, तो कोई भी आइसक्रीम सॉफ्ट नहीं है. जबकि हमें स्पष्ट दिख रहा है आइसक्रीम का थोड़ा सा पार्ट तो सॉफ्ट है ही, तो उस कंडीशन में नो वाली बात क्या होगी, गलत होगी. तो आपकी आंसर क्या होगी, ओनली टू इज ट्रू. तो यहां पे आप इसको मार के निकल सकते हैं. एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाने के कड़ी में हम सॉफ्ट में जब भी चलते हैं, सम में जब भी चलते हैं, तो एक स्टेटमेंट को कैसे हम सही रूप से वेन डायग्राम बना सकते हैं. तो आप देखें, अगर लिखा हुआ है सम आइस इज आइसक्रीम, दूसरा लिखा हुआ है सम हार्ड इज आइस, और थर्ड लिखा हुआ है सम आइस इज रॉयल. तो इसका फिगर कैसे बनाया हुआ आप देख लें. क्या कहता है, सम आइस इज आइसक्रीम. तो हमने लिखा सम आइस क्या है, तो आइसक्रीम है. फिर क्या बोलता है, सम हार्ड इज आइस. तो यहां पे हम हार्ड बनाएंगे, सम हार्ड क्या है, तो आइस है. फिर क्या बोलता है, सम आइस इज रॉयल. तो उस कंडीशन में जितना बोला है सिर्फ उतना ही काम करने का, सम आइस क्या है, तो रॉयल है. तो सिर्फ आइस के साथ सम में रॉयल को लगाने का. क्लियर, सिर्फ आइस के साथ रॉयल होगा. बट द इमेजिनरी फिगर वुड बी लाइक दिस, सम हार्ड क्या था, तो जैसा फिगर था आपका वैसा ही फिगर है आइस. सम आइस क्या है, तो आइसक्रीम है. तो यहां पे सम आइस रॉयल था, तो दिस इज ऑल्सो ए राइट फिगर. क्यों बोल रहा था सम आइस इज रॉयल, तो हमने लिखा है सम आइस क्या है, तो रॉयल है. बट यहां पे देखें, हमने क्या बताया आपको नोट में कि सर्कल जब टच नहीं करेंगे व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट ईदर और. तो नो हार्ड इज रॉयल यहां पे आपको दिख रहा है, एंड सम हार्ड इज रॉयल यहां पे दिख रहा है. इसका से मैंने बताया कि इस फिगर को बनाने की जरूरत नहीं है, हमेशा आप यही फिगर बनाएंगे. बट अगर टच नहीं कर रहा है तो यू विल गेट ईदर और. कैसे ईदर और आपको हार्ड और रॉयल में मिलेगा, तो यहां से हमें नो मिल रहा है, यहां से हमें सम मिल रहा है. आइसक्रीम और रॉयल टच नहीं कर रहा है तो क्या मिलेगा, फिर से ईदर और मिलेगा. यहां से हमें नो मिल रहा है, यहां से हमें सम मिल रहा है, सम आइसक्रीम इज रॉयल. क्लियर, तो हमें बनाना सिर्फ ये फिगर आपके रफ कॉपी पे है, बट समझना उस आधार पे भी है. और टच नहीं करेगा, सिर्फ आप ईदर और मान के आप चल सकते हैं. क्लियर, तो ये हमने सम से जुड़ी हुई बातें आपको ईदर और में की है. एक आखिरी का हम ऑल और सम में एक क्वेश्चन ले लेते हैं. ऑल और सम पार्ट वन को पार्ट टू के साथ अभी हम ऐड कर देते हैं. ऑल और सम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सम हाउस इज बिग. नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑल बिग, ऑल बिग इज नैरो. फिर से लिखा हुआ है ऑल नैरो इज ब्रॉड.
और फिर लिखा हुआ है सम नैरो इज सॉफ्ट। तो यहाँ पर देखिए फिगर हम कैसे बनाएंगे। सपोज पहला ही स्टेटमेंट सम से जुड़ा हुआ है, तो जनरली जो हम फिगर को बनाने की शुरुआत करेंगे हमेशा ऑल से करेंगे। देखें आप कहीं से भी फिगर को बनाने की शुरुआत करेंगे, मान लीजिए यहाँ सम से ही आपने शुरुआत किया तो फिगर विल बी करेक्ट, कंक्लूजन विल ऑल्सो भी करेक्ट, बट जो फिगर होगा वो थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो माई एडवाइस इज कि इफ इन स्टेटमेंट सम इज गिवेन, नो इज गिवेन, ऑल इज गिवेन, सपोज नो स्टेटमेंट वुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, सम स्टेटमेंट वुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड ऑल स्टेटमेंट वुड बी द लास्ट स्टेटमेंट, सो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट फ्रॉम वेयर ऑल इज लिंक्ड। दिस इज माई पर्सनल एडवाइस, क्लियर। तो हम यहां पे ऑल से बनाने की शुरुआत करेंगे, सम को हम बाद में ऐड कर देंगे। क्या कहता है ऑल बिग इज नैरो, तो हम यहां पर लिखेंगे ऑल बिग क्या है तो नैरो है, बिग के लिए हमने बी लिखा, नैरो के लिए हमने एल लिखा। नेक्स्ट कहता है ऑल नैरो इज ब्रॉड, तो ऑल नैरो क्या है तो ब्रॉड है, तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा ब्रॉड। यहां पे हमने क्या लिखना पड़ा था बिग, क्योंकि दो बिग आ गए तो बाद में कंफ्यूजन ना हो। फिर क्या कहता है कि सम हाउस इज बिग, सम हाउस इज बिग, तो सम की जो बात होगी अगर अंदर से सम टच कर रहा है तो पूरी तरह उसको बाहर निकालिए, सम हाउस इज बिग। देखिए हम कहने के लिए यहां भी बना सकते हैं सम हाउस क्या है तो बिग है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट अगर आपसे क्वेश्चन बोला गया कंक्लूजन में रहता कि ऑल हाउस इज नैरो या ऑल हाउस इज ब्रॉड, उस कंडीशन में आपको टिक मारना पड़ता है। इस कारण से अगर सम अंदर के साथ टच कर रहा है तो पूरी तरह सम को आप बाहर निकालें, पूरी तरह, है ना। तो किसी भी कंडीशन में आप ऐसा फिगर ना बनाएं, और मैंने एडवाइस दिया है तो सम को पूरी तरह आपको बाहर निकालना है, तो यहां पे हमने सम को ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्या कहता है सम नैरो इज सॉफ्ट, तो सम नैरो, नैरो कौन सा था ये था, तो सम नैरो क्या है तो सॉफ्ट है, तो पूरी तरह इसको बाहर निकालने का, नैरो को सॉफ्ट के साथ ऐड करने का और पूरी तरह बाहर निकालने का, अंदर नहीं छोड़ देने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम क्या करते हैं तो यहाँ ही पे बनाया और लिख दिया हमने सॉफ्ट में, फिर कंक्लूजन में रहेगा कि ऑल सॉफ्ट इज ब्रॉड, तो आपको टिक मारना पड़ जाएगा सही कंक्लूजन पे, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको सिर्फ बोला था कि सम नैरो इज सॉफ्ट, तो नैरो में हमने सम को लगाया है ना, ये नैरो का सम है और ये हाउस का सम था, और पूरी तरह हमने बाहर निकाला है बिल्कुल सर्कल से बाहर। तो दिस इज द करेक्ट फिगर ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। वहां से आप कोई भी कंक्लूजन सही कर सकते हैं, जैसे कंक्लूजन आपको अगर बोले कि ऑल बिग इज ब्रॉड, सही है, दिख रहा है। नेक्स्ट क्या बोले तो देखिए यहां पे ईदर और कहां पे बनेगा, यहां पे आप एक बार देख के बताएं कि ईदर और कहां पे बन सकता है, तो देयर कैन बी ओनली वन ईदर और कैन बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन सॉफ्ट एंड हाउस। क्यों? क्योंकि देखिए सॉफ्ट और हाउस की जो सर्कल है आपस में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो आप कह सकते हैं सम सॉफ्ट इज हाउस और दूसरा नो सॉफ्ट इज हाउस, तो दिस इज करेक्ट ईदर और इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट एंड हाउस ओनली, अदर देन सॉफ्ट एंड हाउस कहीं भी ईदर और फ्रेम नहीं होगा सम और नो के केस में, है ना। और क्या हो सकता है, तो सम बिग इज नैरो वो हमें दिख रहा है, सम बिग इज ब्रॉड वो भी हमें दिख रहा है, है ना, ऑल नैरो इज ब्रॉड वो भी हमें दिख रहा है। सम के कंडीशन में चूंकि हर एक हाउस का जो पार्ट है वो सम में ऐड हो रहा है, तो आप यहाँ बोल सकते हैं सम हाउस इज ब्रॉड, क्योंकि ये सर्कल है हाउस और ब्रॉड का। आप ये भी बोल सकते हैं हाउस और नैरो का ये सर्कल है यहाँ पर टच हो रहा है, तो सम हाउस इज नैरो। आप ये भी बोल सकते हैं कि हाउस और बिग का ये टच हो रहा है, तो सम हाउस इज बिग। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि सम सॉफ्ट क्या है तो नैरो है। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि सम सॉफ्ट क्या है तो ब्रॉड है। तो ये सम के साथ आप बोल सकते हैं, ये ईदर और के साथ आप बोल सकते हैं, है ना। तो यहां से अगर क्वेश्चन मान लीजिए का कंक्लूजन रहा सम हाउस इज नैरो, सही है या गलत ये आपसे पूछ रहा है, तो सम हाउस इज नैरो स्पष्ट हमें दिख रहा है, ये जो हाउस का पार्ट है वो नैरो में है, तो दिस विल करेक्ट। नेक्स्ट आपको बोला कि ऑल ब्रॉड इज बिग, है ना, ऑल ब्रॉड इज बिग, ऐसा आपको कंक्लूजन सही करना है। तो रिवर्स में हमने पार्ट वन में ही पढ़ाया था अभी से थोड़ी देर पहले कि रिवर्स में कभी भी ऑल सही नहीं होता है। हाँ यस, ऑल बिग इज ब्रॉड वो हमें दिख रहा है, बट ऑल ब्रॉड इज बिग हमें नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा, गलत होगा। फिर बोला कि नो हाउस इज सॉफ्ट,
जनरली क्या दिखता है, फटाक से हमें दिखता है कि नो हाउस इज सॉफ्ट, बिल्कुल सही दिख रहा है कि कोई भी हाउस जो है सॉफ्ट नहीं है और इस पर हम टिक मार देते हैं, बट दिस इज नॉट करेक्ट। ये आप अगर टिक मार रहे हैं इट मीन्स अभी भी कहीं ना कहीं कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, हाउस और सॉफ्ट टच नहीं हो रहा है, तो इंडिविजुअल हर एक कंक्लूजन क्या है तो गलत है, तो दिस विल बी रॉन्ग कंक्लूजन। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम पार्ट नंबर टू, जहां पे हमने सम की बात की, जहां पे हमने ईदर और के पहले केस की बात की, जहां पे हम सम और नो को एक साथ साथ लेके ईदर और फ्रेम कर सकते हैं, और वहीं पे हमने पार्ट वन को पार्ट टू के साथ लिंक कर दिया और आपको ऑल और सम से जुड़े हुए दो एग्जाम्पल दिखाए हैं, है ना। पार्ट थ्री में जब हमारी मुलाकात होगी तो नो के केस के साथ होगी, और इस नो के केस के साथ हम ऑल सम और नो तीनों को हम मिक्स करने वाले हैं आपके साथ, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप बने रहें और सिलोलिज्म के सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी बात हम आगे चल के करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।